भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा भैया। भैया भाई ये सब गलती से हो गया। झूठ मत बोलो प्रतीक, और तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे झूठ से नफरत है। भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मुझे लगा था कि फ्लाइट 11 बजे की है, लेकिन अचानक याद आया कि फ्लाइट तो 10 बजे की थी, और इसीलिए पंकज भैया जाने वाले थे लेने। वो क्या है ना कि इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं, किसी को लेने जाना एयरपोर्ट से तो किसी को रेलवे स्टेशन से, सबके अलग अलग टाइमिंग से भैया, बस इसीलिए गड़बड़ हो गई। दूसरे मेहमानों में और इनमें बहुत फर्क है प्रतीक। वो लोग मेरी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट है ये तुम जानते हो, लेकिन फिर भी तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? छोटे ने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया ना। वैसे अभी भी टाइम है, अब एयरपोर्ट भी पास में ही है। तू गाड़ी से उतर, मैं उन दोनों को लेके आ रहा था। तेरी हल्दी की रस्म से पहले वो दोनों तेरे साथ होंगे, ये तेरे बड़े भाई का वादा है तुझसे। अभी से ही यश के सपने देख रही हो? आप ही हल्दी लगाने आई है ना? मैं कैसे हल्दी लगा सकती हूँ समधन जी, विधवा हूं ना, और एक विधवा शगुन के काम नहीं कर सकती। आप ही कैसी बातें लेकर बैठ गई? मैं सच कह रही हूँ समधन जी, इस जमाने की रीत ना बहुत ही अजीब सी। एक विधवा को हल्दी तो लग सकती है, लेकिन उसे हल्दी मेहंदी लगाने का शुभ काम विधवा के हाथों नहीं हो सकता। मैं हल्दी ले आई हूँ, और वैसे दी का मुहूर्त 10:15 बजे का है, तो मम्मी जी ने कहलवाया है कि पहले दूल्हों को हल्दी लगेगी और फिर दुल्हनों को। तो एक बार जब रस्म हो जाएगी तो मैं खबर कर दूंगी, आप तभी हल्दी की रस्म शुरू कीजिए। अच्छा हुआ जो उस समय आरती ने हमारी बात सुन ली, नहीं तो इस समय बुआ जी की बातों को सुनकर आरती जरूर इस शादी के लिए इनकार कर देती। Thank you.
खुश खुश रहो बेटा। समय पर आ गए, अब हल्दी की रस्म शुरू कर सकते हैं। आइए आइए। अब हल्दी की रस्म शुरू कर सकते हैं। जी रुकिए शोभा जी, यश के दुल्हन को हल्दी लगाने का पहला हक इनका है। यह अर्पिता की मां है जिसकी जगह तुम लेने जा रही हो, इसलिए एक तरह से तुम्हें हल्दी लगाने का पहला हक इन्हीं का हुआ। अब तुम इनकी बेटी हुई ना,
शोभा जी अब आप भी लगा लीजिए जी। ये मेरी तरफ से तुम्हारा शुक्र। अर्पिता के कंगन है, उसे ये कंगन बहुत पसंद है। हीरो चूड़ियां और कंगन थी, लेकिन वो यही कंगन पहनती। पता नहीं क्यों उसे ये कंगन इतने पसंद है। ये तुम्हारे लिए अर्पिता, अर्पिता। जी मेरा नाम आरती है, अर्पिता तो आपकी बेटी का नाम था। अब तुमने उसकी जगह ले ली है तो उसका नाम भी तुम्हारा। इस मां पर बहुत बड़ा एहसान किया है आपने, अपनी बहू को अर्पिता का नाम देकर मेरी बेटी को फिर से जिंदा कर दिया आपने। आज से तुम अर्पिता कहलाओगी बहू। अर्पिता की छवि बनकर अपना नाम भुलाकर तुम हमारे घर आओगे। याद रहेगा ना अर्पिता, अर्पिता। अभी नहीं बेटा। सरला, दामिनी, बहू को ले जाओ ना, स्नान करा दो।
तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई थी प्रतीक कि आरती चुकार पिता का नाम दिया जा रहा है? हमारे यहाँ का तो यही रिवाज है ना? मैं नहीं मानता ऐसे रिवाज को। मैं अर्पिता का नाम किसी और को नहीं दे सकता। अरे नाम तो क्या, उसकी किसी भी चीज को किसी और के साथ नहीं बांट सकता मैं। तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई थी प्रतीक कि आरती चुकार पिता का नाम दिया जा रहा है? वो तो हल्दी सेरेमनी में इत्तेफाक से मैंने ये बात सुन ली थी, वरना ये बात मुझे पता ही नहीं चलती। भाई वो बाऊजी और माँ ने यही कहा था कि दूसरी शादी में दूसरी पत्नी को पहली का नाम दिया जाता है, और हमारे यहाँ का तो यही रिवाज है ना? मैं नहीं मानता ऐसे रिवाज को। मैं अर्पिता का नाम किसी और को नहीं दे सकता। अरे नाम तो क्या, उसकी किसी भी चीज को किसी और के साथ नहीं बांट सकता मैं। नहीं बांट सकता मैं। नहीं बांट सकता मैं। ये लीजिए आपकी शर्ट। वैसे इसे धोबी को देने का क्या फायदा, जब स्त्री करी हुई शर्ट को दोबारा से स्त्री करना पड़ता है। कबर्ड में रखे रखे क्रीज पड़ जाती है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो तुम जानती हो। क्या हुआ? तुम्हारी किसी भी चीज पर कोई और अपना हक नहीं जमा सकता अर्पिता, चाहे वो नाम हो या फिर कंगन। अर्पिता के कंगन, ये तो वैसी ही आवाज है जैसे अर्पिता के कंगन के खनकने से आती थी, पर ये आवाज आकाश से। नाम नहीं बन सकती। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं ये लोग? नाम बदल दिया मेरा और मुझसे पूछा तक नहीं। नहीं माँ, मैं अपना नाम अब नहीं बदलूंगी। और क्यों बदलूं मैं अपना नाम? आरती केवल मेरा नाम ही नहीं, मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान है। आप ये बताइए माँ, क्या मैं गलत हूँ? कौन सी दुनिया, किस जमाने की बात कर रहे हैं आप लोग? अर्पिता का नाम दे देने से वो अर्पिता नहीं बन सकती। मेरे मन में
मेरी जिंदगी में अर्पिता की जगह कभी कोई नहीं ले सकता।